मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी टेक न्यू टॉपिक ऑफ हाउ टू आस्क क्वेश्चन विद व्हाट व्हेन हू व्हिच वेयर हाउ एंड व्हाट. ओके, इंग्लिश इज इन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हाउ टू आस्क क्वेश्चन, है ना. एवरीबडी कैन रिप्लाई बट वी डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन. हम उत्तर दे सकते हैं, है ना, वी नाउ, है ना. हु आस्क, भाई कौन पूछ रहा है हमसे, क्या बात कर रहा है, ना, है ना. व्हाट काइंड्स ऑफ टॉकिंग वी कर, है ना. वी नाउ दैट बट वी डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, है ना. वी नाउ हाउ टू गिव आंसर. फॉर एग्जाम्पल, है ना, वेयर आर यू फ्रॉम, यू नाउ ही आस्क यू, भाई आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू फ्रॉम, डिड यू नो. बट यू डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, है ना. वेर आर यू फ्रॉम, वेर डू यू लिव इन डीडवाना. तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग, है ना, टूडे वी लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन. देखो मोस्ट ऑफ थिंग दैट इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, है ना. यू डोंट फील बर्डन, है ना. यू डोंट फील नेगेटिविटी इन साइड, है ना. यू शुड लर्न नॉर्मली एंड आस्क, है ना. यू शुड कन्वर्सेशन विच ईच अदर and you talk with your friend in mobile, है ना, in WhatsApp chat, Facebook chat, है ना, and in mobile, है ना, there is many platform also, just like English spoken classes, other classes, there you can learn English, है ना. Today is very important and English is very easy language because every country is going this language and so we should also learn it. So today we learn how to ask question. For example, today we take new topic of only when. It is a Hindi mean. When. When का अर्थ होता है कब. Do you know? यानी आपको अगर कोई डेली रूटीन की बातें पूछे तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, वेन का. भाई आप घर कब जाते हो, स्कूल कब जाते हो, पढ़ाई कब करते हो, अच्छा दुकान पे कब जाते हो, पापा घर पे कब आएंगे, अच्छा मम्मी घर पे कब आएगी, मम्मी को पूछा मम्मी आप खाना कब बनाओगे, है ना, तुम पढ़ाई कब करोगे, है ना. डेली रूटीन के जो शब्द होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, वेन से. So today we take new topic of when, है ना. How to start from when, है ना. It is used for daily routine work, है ना. When we ask someone from, use when. भाई हम जब किसी से person पूछे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, daily routine के जो शब्द होते हैं ना उसमें हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, when का प्रयोग करते हैं. ये बहुत ईजी है, समझ में आया. अगर पास्ट टेंस में है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्रेजेंट में है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है. जैसे भाई आप कल जयपुर कब गए, तो फर्स्ट टेंस में हो गया तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी. प्रेजेंट में आप जयपुर कब जाते हो, प्रेजेंट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी चीज़ें वही है. तो आज हम देखेंगे कि वेन का प्रयोग कैसे होता है डेली रूटीन. भाई जैसे आप कब उठते हो, अच्छा कब नाश्ता करते हो, जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक जब हम सोते हैं तब जितने भी हम मना टाइम से संबंधित बातें पूछते हैं उसमें हम सब किसका प्रयोग करेंगे, वेन का. समझ में आ रहा है. जैसे वेन डू यू गेट अप, कब उठते हो, When do you bath? कब नहाते हो, कब नाश्ता करते हो, टेक ब्रेकफास्ट, When do you
गो स्कूल, स्कूल आ गया भाई, स्टूडेंट है, एट वर्क, काम पे, एट शॉप, दुकान पे, है ना। When do you take lunch? When do you come from school? When do you play games? When do you take dinner? भाई मार्केट, शॉप, फार्म, एटवर्क, जिम, जो भी आप काम करते हो, क्लास, कोचिंग क्लास, इसमें सब आ गया ना आने और जाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने स्कूल लिखा, यहाँ पे कोई शहर का भी नाम लिख सकते हैं, सिटी कुचामन। कुचामन से कब आते हो, है ना, क्योंकि सबके लिए हम अलग अलग यूज नहीं करेंगे। गांव से कब आते हो, विलेज, एटवर्क, भाई काम से कब आते हो, है ना। इट इज डेली रूटीन सेंटेंस। व्हेन डू यू स्टडी, पढ़ाई कब करते हो। व्हेन डू यू वॉच मूवी, सॉरी टीवी, टीवी कब देखते हो। कुक फूड, खाना कब बनाते हो। व्हेन डू यू स्लीप, कब सोते हो। When do you open shop, भाई दुकान कब खोलते हो। Close shop, दुकान कब बंद करते हो। ओके, देयर इज, वी कैन यूज क्वेश्चन मार्क आल्सो। व्हेन डू यू क्लीन होम, किसी ने आपको पूछ लिया। व्हेन डू यू
भाई आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो? When do you? आप अपना काम कब करते हो? तो ये जो सभी सेंटेंस है वो वैन से शुरू हुआ है आपको डेली यूज रूटीन की बातें पूछने के लिए, है ना। तो आपको ये पूछना आना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर ये बातें अगर हम फर्स्ट टेंस में पूछें, क्या पूछें? फर्स्ट टेंस में, तो आपको चेंज कितना क्या करना है? वैन, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड यू गेट अप, भाई आप कब उठे, फर्स्ट में हो गया। व्हेन डिड यू बाथ यस्टरडे, आप कल कब नहाए। व्हेन डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता कब किया। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, आप स्कूल कब गए। व्हेन डिड यू टेक लंच, आपने नाश्ता कब किया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब आए। व्हेन डिड यू प्ले गेम, आपने गेम कब खेला, है ना। व्हेन डिड यू टेक डिनर, आपने अभी रात का खाना कब खाया। तो बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है, ओनली हम क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? फर्स्ट टेंस के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा? फर्स्ट टेंस में। आपने क्या क्या किया कब, है ना। समय पूछने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेंस में डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में हम जब नॉर्मली बात करते हैं तो डू का प्रयोग करके इनको स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, थैंक यू।